हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज 19 नवंबर 2021 है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपना कनक गेहूँ लेने, राशन लेने, जो कि सरकारी मिलते हैं, जो हमको कोटा मिलते हैं दोस्तों राशन, तो हम वो लेने जा रहे हैं आज, क्योंकि दोस्तों जो फ्री कनक मिलती थी अभी तक मिली नहीं है। तो दोस्तों भाई जहाँ से हम राशन लेते थे वहाँ पर हमको आज बुलाया उन्होंने, तो हम अभी जा रहे हैं, पता करते हैं कि राशन आया कि नहीं, आज मिलता है कि नहीं। तो हमारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों, हम बोरी हम ले लिए हैं, रसीद भी लेनी है, और हमारा रोबिन भी चलने के लिए तैयार है। तो हम राशन लेने, तो देखते हैं आज राशन मिलता है कि नहीं, तो चलते हैं हमें ब्लॉक में, तो बने रहे ब्लॉक में, तो चलिए राशन निकलते हैं। ठीक है चलो दोस्तों जो खेत है ना, इसमें भी गेहूँ उगाएंगे, भी अभी उन्होंने बीज छीट दिया होगा। इसमें पहले तो दोस्तों धान लगे थे, धान कट गए, अब तो जीरी लगेंगी, और धान कट गया तो अब गेहूँ लग गया दोस्तों। ये हमारी खस्तवर की सड़क, बहुत ही मस्त सड़क। ओ सोने दे, दोस्तों दिखी था अपनी बिल्डिंग, ये तो पूरी चौकी है, ऊपर तहखाने झील है, नीचे हमारा केसम का दफ्तर है। यहाँ पे पेपर तो यहाँ जंगल था, बट यहाँ पे फैक्ट्री खुल गया, सही लोग रहते हैं दोस्तों। दोस्तों हम दुकान पर आ चुके हैं जहाँ पे हमको राशन मिलेगा। आप देख सकते हो कि हमारी पर्ची कट रही है दोस्तों, ये देखो हमारी पर्ची की स्लिप कट रही है वहाँ पे। दोस्तों पर्ची कटने के बाद हम फिर कनक लेंगे। दोस्तों पर्ची कटने के बाद हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे कनक मिल रही है, देख सकते हो आप, यहाँ पे कनक मिल रही है। और भीड़ देखो दोस्तों कितनी, यहाँ पे भीड़ बहुत है, बट दोस्तों क्या करिए, खड़ना तो पड़ेगा। दोस्तों हमने कनक ले लिया है, अब घर को जाएंगे दोस्तों। ये हमारे बड़े थैले देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स हम कनक लेके आ गए हैं दोस्तों हम कनक लेके आ गए हैं दोस्तों। हमको 1 क्विंटल कनक मिलनी है, तो हम चार्ज ने तो हर किसी को कितने 30-30 किलो या 35-35 किलो कनक मिली दोस्तों। तो दोस्तों कनक ले आए हम रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कनक ले आए हैं, तो दोस्तों हमारा ब्लॉग कहीं पर ख़त्म होता हुआ। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।